नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल सत्य धर्म में आपका स्वागत है आज हम आपको एक उपाय बताने जा रहे हैं रात की नींद में देखे गए सपने आपके दिन बदल सकते हैं स्वप्न शास्त्र में कुछ ऐसे सपने बताए गए हैं जो बेहद शुभ आते हैं ये सपने आते ही व्यक्ति को कुछ ही समय में बड़ा धन लाभ होता है या कोई शुभ घटना होती है सोते समय सपने देखना भी आपको अमीर बना सकता है दरअसल कुछ सपने इतने शुभ होते हैं कि इनका आना व्यक्ति को अमीर बना देता है ये सपने आने पर जातक को निकट भविष्य में धन लाभ होता है उसे कोई शुभ समाचार मिलता है या बड़ी उपलब्धि हासिल होती है आइए जानते हैं कि स्वप्न शास्त्र के अनुसार कौन से सपने व्यक्ति का भाग्योदय कराते हैं उसे खूब पैसा और सुख समृद्धि दिलाते हैं स्वपन शास्त्र के अनुसार यदि आप खुद को सपने में भगवान शंकर के मंदिर में दूध या जल से अभिषेक करते हुए देख रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न हैं और आप बहुत जल्द कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले हैं माथे पर मोरपंख देखना स्वपन शास्त्र के अनुसार यदि आप खुद के माथे पर मोरपंख लगा हुआ देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत जल्द आर्थिक रूप से संपन्न होने वाले हैं सपने में गाय देखना स्वपन शास्त्र के अनुसार यदि आप सपने में अपनी तरफ गाय को आते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हैं और बहुत जल्द आपको धन की प्राप्ति होने वाली है भूरे रंग का सांप देखना स्वपन शास्त्र के अनुसार यदि आप सपने में भूरे रंग का सांप देखते हैं तो ऐसा सपना बहुत शुभ होता है ऐसे सपनों का मतलब कि बहुत जल्द आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है लड़की या महिला को देखना स्वपन शास्त्र के अनुसार यदि आप सपने में किसी सुंदर स्त्री या महिला को देखते हैं तो ऐसे सपने बहुत सौभाग्यशाली माने जाते हैं ऐसे सपनों का मतलब है कि आपके करियर में बड़ा बदलाव होने वाला है सपने में भगवान को देखने का मतलब सपने में किसी भी देवी देवता या भगवान का आना व्यक्ति की किस्मत बदत देता है सपने में भगवान के दर्शन होना आप पर भगवान की कृपा होने का साफ संकेत है ऐसा होने पर जल्द ही आपके साथ कोई शुभ घटना होती है धन लाभ होता है सपने में खुद को दूध पीते देखने का मतलब सपने में खुद को दूध पीते हुए देखना बहुत शुभ होता है यह पैसा मिलने सम्मान बढ़ने और जीवन में खुशियाँ बढ़ने का साफ संकेत है ऐसा सपने खुशहाली आने का इशारा देते हैं सपने में खरबूज या तरबूज देखना सपने में खरबूज या तरबूज का दिखना अपार पैसा मिलने का इशारा है ये फल जातक को निकट भविष्य में धन प्राप्ति होने का संकेत देते हैं सपने में बादल दिखाई देने का मतलब सपने में बादलों का दिखाई देना बहुत अच्छा होता है ऐसा सपने आने पर जातक को जल्द ही बड़ा फायदा होता है या कारोबार में बड़ा लाभ होता है आप सपने में नहा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपको अपने में बदलाव करने की जरूरत है अपने अतीत के सभी कष्टों व भय को दूर कर फिर से नई शुरुआत करने की जरूरत है सपने में आपने युद्ध देखा है तो सावधान हो जाइए युद्ध के दृश्य समस्याओं का प्रतीक हैं। आपको ऐसी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए जो आपको मात दे सकती हैं। आपने सपने में अकेली मधुमक्खी देखी है तो यह राज परिवार का प्रतीक है यदि आपने मधुमक्खियों के झुंड को देखा है तो यह एक मांगलिक चिन्ह है लेकिन यदि इन्हीं में से कोई आपको काट ले तो आपको सचेत हो जाना चाहिए आप पर कोई अज्ञात दिशा से हमला कर सकता है सपने में किसी का कटा हुआ सिर देखना अशुभता का प्रतीक है यह बताता है कि भविष्य में आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है आप सावधान रहें और जीवन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें सपने में संदूक या कोई पेटी देखना इस बात का संकेत है कि आपको सोच समझकर धन खर्च करना चाहिए खर्चों के साथ ही अपनी आमदनी पर भी ध्यान देना चाहिए सपने में बेर देखना शुभकारी होता है बेर अतीत में किए गए परिश्रम का फल मिलने की संभावना का प्रतीक है साथ ही यह सपना आपको बीते कल के कठिन और दुखद अनुभव भुला देने का संदेश है रोते हुए देखना सपने में खुद को रोते हुए देखना शुभ कहा जाता है माना जाता है कि जो व्यक्ति खुद को रोते हुए सपने में देखता है उसे सुख की प्राप्ति हो सकती है